को खेल प्रेमियों की ओर से और समस्त दर्शकों की ओर से हमको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कपिल भाई। एक बार सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि तालियों के साथ सुनकर जन्मदिन को एक बार तालियों से स्वागत किया जाए, क्योंकि इस क्रिकेट टूर्नामेंट के मुख्य सदस्य हमारे कपिल भाई और लगातार हमारे संचालक महोदय में और पूरी व्यवस्था में लगे पड़े हैं, तो ढेर सारी शुभकामनाएं उनको जन्मदिन की कपिल भाई को। धन्यवाद सर। एक रन। इस बार किसी भी तरह बोलो तो वाह भाई वाह, जितनी ज्यादा तारीफ की जाए कम रहेगी यहाँ पे। अपने ही बोलो एक बार फिर तैयार। इस बार सम्मान दिया गेंद को और ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति में मात्र एक रन स्कोर बोर्ड में, वो भी अतिरिक्त के रूप, तो बढ़िया चौका आता हुआ फिलहाल थाना दुमापुर के लिए। एक बार फिर इस बार इसी भी तरह गेंद को ढकेला, मिनाज की दिशा में तेरह रन काफी तेजी के साथ। ओ इस बार बढ़िया सटीक शुरू, मगर थोड़ा सा खेलने जो होती है नीचे रखनी होगी गेंद को, क्योंकि कभी भी आपको पहुंचा सकता है। थोड़ा देर नहीं दिखेगी बॉल इस बार। वाह क्या कहना इलियास भाई आपके लिए, इतना आसान नहीं होता ऑफ साइड बाद छक्का मार दे, बस गेंद की रफ्तार जब आपको 148 की मिले और उसे आप बल्ला हरा दे तो मीटर कम से कम 45 मीटर का ये बाउंड्री उसे भी पार कर देती है फिलहाल, तो बढ़िया बल्लेबाजी। पिछले ओवर इस बार किसी भी तरह गेंद को निकाला था, रन लेने से रोक दिया और दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर बोर्ड 14 रन, जिसकी भरपाई आप करते हुए फिलहाल पंजाब सिंह। बढ़िया गेंद साइन लेग की दिशा में तेजी से, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, एक ही रन के संतोष से फिलहाल आने में चौथे ओवर की। इस बार पॉइंट के बीच में से गेंद को ढकेला, पहला रन काफी तेजी से आप देखना होगा, दूसरा ले पाते हैं हरीश वहां पर आए थे फिलहाल। चले ओ छह रन, बढ़िया छक्का आता हुआ ऑफ साइड में, इंतजार किया इलियास भाई ने और उसके बाद बल्ले का फेस खोला था ऑफ साइड में, छोटी सी बाउंड्री है ऑफ साइड, पिछले मुकाबले जो खेले गए थे इस कारण से काफी नुकसान, छह बॉले गायब हो चुके हैं हमारी इधर ऑफ साइड में फिलहाल। एक बार फिर ओ ये इलियास भाई तो लगातार ऑफ साइड में मारते रहेंगे भाई, फुल टॉस आए जाए, यॉर्कर आए जाए, शॉर्ट पिच गेंद आए, इंतजार और उसके बाद एक बड़ा फरहार, तो थोड़ा सेम प्रयोग हमारा सहयोग करें और गेंदे पहुंचाने का प्रयास करेंगे हमारे सेम प्रयोग। बैट देख के पता चलता है आप कैसे खेल रहे हैं। हैट्रिक में है फिलहाल इलियास भाई छक्कों की फिलहाल। चले संतोष दानी एक बार फिर और इस बार फिर चार रन के लिए, चार रन के लिए गेंद निकल चुके हैं, तो लंबा ओवर आता हुआ इलियास है सामने। ओ बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन में गेंद और एक ही रन से संतोष चंद्र, रुपए की घोषणा कर दी गई आनंद मणि द्वारा। अच्छा जी किसी बरात के लिए फिलहाल चले सतपाल, बढ़िया गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, बाहर साजिद है कि वहां पे देखना रहे, अगर मिसफील्डिंग ना होती तो कहीं ना कहीं एक मौका जरूर कमल भी यही चाह रहे हैं कि इलियास का बिगड़ लिया जाए और सतपाल भी यही चाह रहे हैं कि इलियास का बिगड़ लिया जाए, मगर कहां इलियास इतने सस्ते में देने वाले हैं, बड़े बल्लेबाज पहले गेंद को पूरी तरह से भाप रहे हैं, इस बार अगर पॉइंट पे खड़े होते हैं कमल तो एक कैच बन कर लिया जाए सामने। सतपाल चले अपने बॉलिंग मार्क से एक बार फिर, इस बार राजू के वो मगर क्या करें, जब आउटफील्ड खराब हो जहां आप जा रहे हैं गेंद वहां से पहले दिशा चेंज कर ले तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता भाई। हरीश चली अरे फिर पलाल में वहां पिंड लिए, ओ ये तो गगन चुपे छप्पा का बहुत टूर्नामेंट का शायद लंबा छप्पा।
45 रन पे खेल रहे हैं दिल्ली आज। और इसी के साथ अपना अर्धशतकर टूर्नामेंट को भी फिनिश कर दिया। तो ढेर सारी शुभकामनाएं खाना धुमापुर को, इलियास को विश्वास, विशेषकर सभी गेंदबाजों का वहां पे सामने किया था, सामना किया था इलियास भाई ने, और आसानी के साथ मुकाबले को अपने पक्ष में करा।